इस मूवी रिव्यू के अंत में मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल जिसका जवाब रिलेटेड होगा इस वीडियो से और इस मूवी रिव्यू से, और सही जवाब देने वाले को मिलेगा ₹50 का बुक माई शो का गिफ्ट वाउचर। ₹100 का क्यों नहीं, क्योंकि मेरी औकात नहीं है। तो अंत तक इस वीडियो को देखना बिल्कुल न भूले। सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जिस तरीके का हाइप बनाया गया था इस मूवी का और जिस तरीके से 21 ब्रिजेस को प्रेजेंट किया गया था हमारे सामने ट्रेलर में, और इनफैक्ट जो नाम है मूवी का 21 ब्रिजेस, इन तीनों ही वजह से मैं काफी एक्साइटेड था कि ये मूवी 21 ब्रिजेस से रिलेटेड डेफिनेटली कुछ हमें नया और यूनिक दिखाएगी, क्योंकि 21 ब्रिजेस को ब्लॉक किया है, मूवी का नाम 21 ब्रिजेस है, तो डेफिनेटली कुछ नया कुछ अलग देखने को मिलेगा। 21 Bridges रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में 22 नवंबर 2019 को, और ये रिलीज हुई सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। स्टोरी फॉलो करती है एंड्रेड डेविस पर, जिनका किरदार निभाया है चैडविक बोसमैन ने, पॉपुलरली नोन एज ब्लैक पैंथर। ये एक डिटेक्टिव है और ज्यादातर जाने जाते हैं उन क्रिमिनल्स को मार गिराने के लिए जो कि ज्यादातर पुलिस वाले को मार डालते हैं। तभी मैनहट्टन में एक शूट आउट होता है जहां पर दो लोग, माइकल और रे, हीरोइन चुराने के चक्कर में कई पुलिस ऑफिसर्स को जान से मार देते हैं। अब इनको पकड़ने की जिम्मेदारी आती है एंड्रेड डेविस के ऊपर, जहां पर एंड्रे इन दोनों को जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर हम क्लियरली ये देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स इन दोनों को पकड़ने में कम और जान से मारने में ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। अब ऐसा क्यों? कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये मूवी जिसका नाम है 21 ब्रिजेस। दो चीजों की वजह से मैंने ये मूवी देखी। पहला तो वही होगा जो जिसकी वजह से आपने देखा, वो होगा चैडविक बोसमैन, हमारे ब्लैक पैंथर, और दूसरा होगा कि ये 21 ब्रिजेस को ब्लॉक करते हैं। सो मैं एक्साइटेड था यार, ये 21 ब्रिजेस को ऐसे कैसे ब्लॉक कर देंगे, कुछ देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड। इनफैक्ट मूवी का नाम भी 21 ब्रिजेस है, तो मुझे लगा डेफिनेटली बहुत कुछ ऑफर किया जाएगा स्पेशली इन ब्रिजेस से रिलेटेड। अनफॉर्चुनेटली 21 ब्रिजेस सिर्फ नाम है, उनको ब्लॉक करना मेरे ख्याल से ये एक तरीके का ट्रिक था ताकि हम इस ट्रेलर से एक्साइटेड हो और मूवी देखने जाएं। दैट्स इट। इनफैक्ट 21 ब्रिजेस को लेकर मूवी में कुछ है ही नहीं। सो इतनी सारी हाइप बनाकर जब मैं थिएटर में गया मूवी देखने के लिए, और स्टार्टिंग के आधे घंटे में जब मुझे पता चला कि भाई यू नो व्हाट, बहुत बड़ी गलत फहमी थी तुम्हें, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सी मूवी थी, एंड दैट इज द फर्स्ट पॉइंट वेर आई वॉज कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड इन द मूवी। नाउ द ओनली रीजन वाई आई वॉज वॉचिंग द मूवी वॉज चैडविक बोसमैन, जो कि एक डिटेक्टिव है और किसी भी हाल में क्रिमिनल को छोड़ते नहीं है, और इसका एग्जाम्पल हमें मूवी के स्टार्ट में ही दिखा दिया जाता है। और इस मूवी में चैडविक बोसमैन यानी कि एंड्रेड डेविस अपनी जी जान लगा देते हैं इन दोनों क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। मगर वेट, यहां पर एक कैच है। ट्रेलर में हमें ऐसा दिखाया गया कि यू नो व्हाट, 21 ब्रिजेस को ब्लॉक कर किसी भी हाल में ये इन लोगों को पकड़ना चाहते हैं, मगर जब आप मूवी देखेंगे तो किसी भी हाल में कम, और ऐसा लग रहा था कि चैडविक बोसमैन के हाथ में लाके चीजें दे दी जाती थी, और यू नो व्हाट, ये आसानी से क्रिमिनल्स को पकड़ने में लग जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप मूवी में देखेंगे कि चैडविक बोसमैन को पता चलता है यू नो व्हाट, आपके क्रिमिनल्स यहाँ पे हैं, जाके पकड़ो, यहाँ पर है भाई साहब, जाओ पकड़ लो। सो तो चैडविक बोसमैन एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे इस मूवी का 21 ब्रिजेस को छोड़कर, जिसमें हम डिसअपॉइंट हो गए थे, बट स्टिल उनके कैरेक्टर को वो रोल, वो स्क्रिप्ट नहीं दिया गया जिससे हमें लगे कि नहीं, ये कैरेक्टर रियली उठकर रियली पावरफुल दिख रहा है। अगर उतना पावरफुल नहीं तो कम से कम उतना पावरफुल तो दिखाना चाहिए था जितना पावरफुल हमें ट्रेलर में दिखाया गया। इनफैक्ट मूवी देखते वक्त आपको लिटरली वाइब आएगा कि आप 90s के दौरान बने किसी मूवी को देख रहे हैं। सिर्फ एक्शन ही नहीं, डायरेक्शन भी कुछ ऐसी थी कि मुझे 90s के मूवीज की वाइब आ रही थी। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो थोड़े बहुत चीजें आपको मूवी में पसंद आते हैं वो है इस मूवी के थोड़े बहुत एक्शन सीक्वेंसेस। जिस तरीके से शूटिंग होती है और जिस तरीके से मूवी के स्टार्ट में पुलिस ऑफिसर्स को मारा जाता है, स्पेशली टेलर किस जिस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स को मारते हैं, इनको देखकर मैं थोड़े मोमेंट के लिए खुश हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा यू नो व्हाट, ही इज इन द मूवी एंड ही इज पार्टिकुलरली अ क्रिमिनल, तो इनको देखकर कुछ ना कुछ तो धमाका एक्शन देखने को मिलेगा। हाँ, एक्शन देखने को मिलता है, बट अगेन कुछ ऐसा हो जाता है जो कि मैं स्पॉइलर की वजह से नहीं बता सकता, एंड आई वॉज अगेन डिसअपॉइंटेड। टेलर किश एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है और इनकी लाजवाब एक्टिंग आप जॉन कार्टर मूवी और बैटलशिप जैसी मूवीज में देख सकते हैं। मूवी ऑब्वियसली एक थ्रिलर मूवी थी, मगर आसानी से आप ये पता लगा लेते हैं कि आखिर इन सबके पीछे कौन होगा, क्योंकि प्लॉट ही इतनी लिमिटेड थी, कास्टिंग ही इतनी लिमिटेड थी मूवी की, तो एक हद के बाद में थ्रिलर भी आपको जकड़ कर नहीं रख पाता। ओवरऑल कहूं तो ये डिसेंट से थोड़ी कम एक्शन मूवी है विद ऑलमोस्ट नो थ्रिलर इन इट। सो देयर इज नथिंग न्यू दैट दिस मूवी ऑफर्स अस अपार्ट फ्रॉम द नेम 21 ब्रिजेस, अगेन जिसका मूवी में कोई भी मतलब नहीं था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6/10। मैं इसे 5.5 भी रेट कर सकता था, बट ओनली बिकॉज ऑफ द एक्शन सीक्वेंसेस
फॉर विच आई वॉज इम्प्रेस्ड बेसिकली, मैं इसे रेट कर रहा हूँ 6 out of 10। सो मुझसे पूछे तो इस मूवी के लिए मेरी तरफ से हाँ भी है और ना भी है, फैसला आपका है। अब जाने से पहले 50 रुपए के गिफ्ट वाउचर जीतने वाला सवाल, सिंपल सा सवाल है जो मैंने लास्ट टाइम पूछा था, वो ये कि मेरा नाम है राजन सिंह, पूरे वीडियो के दौरान आप कितनी बार मेरा नाम फ्लैश होते हुए देखते हैं। जितनी बार आपने मेरा नाम फ्लैश होते हुए देखा है वही कमेंट में मेंशन कर दीजिए और सही जवाब में से मिलेगा किसी एक बंदे को 50 रुपए का गिफ्ट वाउचर। इस कॉन्टेस्ट का विनर डिक्लेयर किया जाएगा 5 दिसंबर को, जो कि हो सकता है हमारे कम्युनिटी टैब में या फिर हम इसे अनाउंस करेंगे हमारे वीडियो के थ्रू। तो दोनों ही जगह पर चेक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू मूवी 21 ब्रिजेस का। आपको हमारे रिव्यू कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी great day।